Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do the allograft rejection. Allograft rejection की तीन टाइप्स होती हैं, acute, hyper acute और chronic. ठीक है, अब acute rejection की हमारे पास दो sets होते हैं, primary set और secondary set. secondary set को हम accelerated set भी कहते हैं. सबसे पहले अब हम आएंगे acute rejection पे. acute rejection ऐसे होती है कि जब allograft का हमें पता है ना कि एक human से हम दूसरे human में कोई organ या कोई tissue हम transplantation करते हैं. ठीक है, अब वो जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना तो तकरीबन 10 से 14 दिन तक वो जो है जगह वास्कुलराइज रहती है, मतलब नॉर्मली काम कर रही होती है. ठीक है, लेकिन 10 से 14 दिन के बाद क्या होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आना शुरू हो जाते हैं एंड वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, मतलब कि रिजेक्शन जो थी वो 10 से 14 दिन तक तो नहीं हुई लेकिन उसके बाद वो स्टार्ट हो गई. ठीक है, नोट्स में भी मैंने लिखा है. और ये जो रिजेक्शन होती है ना, मेनली टी सेल मीडिएटेड रिजेक्शन होती है. ठीक है, अब जो सेकेंडरी सेट है ना, अगर हम उसी जो डोनर है, वही डोनर है ना, उससे अगर हम कोई और ऑर्गन उसी टाइम में ट्रांसप्लांट कर दें, ठीक है, तो जो रिजेक्शन 10 से 14 दिन में हो रही थी, अब वो रिजेक्शन जो है 5 से 6 दिन में ही हो जाएगी. क्या मैंने बोला है सेकेंडरी सेट में, कि अगर हम उसी बंदे से सेकेंड ट्रांसप्लांटेशन कर लें. ठीक है, सेकेंड ट्रांसप्लांटेशन से क्या होगा कि जो रिजेक्शन 10 से 14 दिन में हो रही थी पहले, अब जो है वो रिजेक्शन 5 से 6 दिन में हो जाएगी. ठीक है, अब हम आते हैं क्रोनिक पे. क्रोनिक जो है ऑब्वियसली ये हमारे पास मंथ्स टू ईयर्स में रिजेक्शन होती है, और ये रिजेक्शन हमारे पास बिकॉज ऑफ द आथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ एंडोथेलियम की वजह से होती है. ठीक है, क्रोनिक रिजेक्शन आथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द एंडोथेलियम की वजह से होती है. अब हम आते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन पे. हाइपर एक्यूट रिजेक्शन को हम वाइड ग्राफ्ट रिजेक्शन भी कहते हैं. ठीक है, अब वाइड ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होती है ना, ये हमारे पास मिनट्स टू हावर्स में होती है. ठीक है, और ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की वजह से होती है. ठीक है, रिजेक्शन, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ द रिसिपिएंट की वजह से होती है. और इसको हम वाइड ग्राफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ऑर्गन होता है ना तो उसकी ओक्लूजन हो जाती है, ब्लड सप्लाई जो होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, स्पैजम हो जाता है, तो उसकी वजह से वो जगह वाइट हो जाती है. हमें पता है ना, जब ब्लड सप्लाई किसी भी जगह की कम करें तो वहाँ पे वो जगह वाइट हो जाती है ना, तो इसमें भी सेम है, तो इसी वजह से इसको हम वाइट ग्राफ्ट कहते हैं. ठीक है, और दैट्स इट. और ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ द रिसिपिएंट की वजह से होती है. थैंक